जय हिंद दोस्तों, जीरो से हीरो बनने के इस सेशन में आप सबका अपने YouTube चैनल एनजी एग्जाम क्रैकर पर स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है 10 को हटाना, दशमलव चिपकाना, यानी कि 10 और दशमलव में क्या संबंध स्थापित होता है, जो प्राइमरी स्टूडेंट्स होते हैं इनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और किसी भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में अगर आप बैठते हैं तो या मैथमेटिक्स को हल करने के लिए इन चीज़ों को आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो बड़े से बड़े कैलकुलेशन होता है उसको हम बहुत इजीली सॉर्ट आउट कर देते हैं सिर्फ अपने माइंड में ही। यानी कि दशमलव को हम जीरो के साथ में शिफ्ट करते हैं, यानी कि शिफ्टिंग सिस्टम होता है, तो इसी के बारे में समझेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं कि क्या दशमलव और दस में संबंध होता है। तो यहाँ पर आपको पाँच संख्याएँ दिख रही हैं, एक ही संख्या 2136, इसको बार बार लिखा गया है। यहाँ पर दशमलव पहले लगा हुआ है, यहाँ पर एक संख्या बाद, यहाँ पर लास्ट से एक संख्या पहले, और यहाँ पर पहले जीरो फिर दशमलव लगा हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो इसका जो कॉन्सेप्ट होता है वो क्या होता है सबसे पहले समझते हैं। अगर आपको कहीं कोई ऐसी संख्या मिल जाए 2136/10, तो इसका मतलब हम क्या समझेंगे, इसका मतलब हम ये समझेंगे कि 2136 को 10 से भाग करना, यानी कि इसको अगर हम लिखेंगे तो 2136 अपान में आ जाएगा 10। इसका मतलब है कि यहाँ पर इसको डिवाइड किया जाए 10 से। तो 10 से डिवाइड करने के लिए अगर आपको दे दिया जाएगा तो आप क्या करेंगे कि जो डिवाइड का प्रोसेस होता है आप वही प्रोसेस से इसे हल करेंगे, यानी कि 10 यहाँ पर लिखेंगे और ऐसा पढ़ा पढ़ा जाए कि ये 21 से ज़्यादा ना जाए। तो यहाँ पर आप लिख देंगे 10 × 20, और यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, यहाँ पर जो है अगली संख्या उतार लेंगे, यहाँ पर 13 हो जाएगा, फिर 10 से कम ये 10 हो जाएगा, फिर यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, 3 में से 0 गए 3, फिर अगली संख्या उतार लेंगे, ये हो जाएगा 36। फिर यहाँ पर क्या करेंगे कि पहाड़ा पढ़ो कि 36 से ज़्यादा ना जाए, फिर हो जाएगा 3 बार, फिर ये हो जाएगा 30, यहाँ पर ये कैंसिल, यहाँ पर बचेगा 6। अब यहाँ पर आप दशमलव बढ़ाएंगे, यहाँ पर हो जाएगा 60। अब 10 का पहाड़ा पढ़ो कि इससे ज़्यादा ना जाए, यानी कि 10×60, ये हो गया कैंसिल, ये यानी कि आपका जो रिजल्टेंट आया वो 2136। यानी कि इस तरीके से आप हल करना, आप हल करेंगे क्योंकि आप यही प्राइमरी लेवल पर जानते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिएगा, ये सब प्रोसेस आपको करना ही नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट यहाँ पर ये लिखा है और ये आंसर आपका आ जाएगा। लेकिन कैसे, देखिएगा जब भी कोई संख्या अगर लिखी होती है, मान लीजिए कि 123 कोई संख्या लिखी हुई है, तो आपसे पूछा जाए कि इसमें दशमलव कहाँ पर लगा हुआ है, तो आप क्या बताएंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, जब हमने इसको डिवाइड किया था तो यहाँ पर देखिए दशमलव आ गया है, जबकि संख्या वही है 2136, यहाँ पर 2136, लेकिन एक संख्या पहले दशमलव। इसका मतलब है कि 10 अगर होगा तो यहाँ पर दशमलव एक संख्या बाद लग जाएगा, संख्या पहले। तो इसका मतलब ये है कि दशमलव यहाँ कहीं रहा होगा और ये शिफ्ट होकर यहाँ पर आ गया। तो कभी भी अगर कोई संख्या लिखी हुई उसमें दशमलव नहीं दिख रहा है, तो उसके सबसे लास्ट में हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर दशमलव लगा हुआ है। ठीक इसी प्रकार इसमें कहाँ पर लगा हुआ है, तो 2136 के बाद में, यानी कि यहाँ पर दशमलव लगा हुआ है, तो ये समझेंगे। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पर हम इसको डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर एक संख्या बाद दशमलव लगा हुआ है। मान लीजिए कि इसको हम 100 से भाग करना चाहते हैं, 100 में कितने जीरो होते हैं आपको ध्यान रखना है कि 100 में 2 जीरो होते हैं, तो यहाँ पर 1 जीरो कैंसिल करेंगे तो ये दशमलव उठकर यहाँ चला आएगा, फिर 1 जीरो कैंसिल करेंगे तो ये दशमलव उठकर यहाँ चला आएगा, यानी कि इसका जो रिजल्टेंट होगा 1.23 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। ठीक यहीं पर, यहाँ पर भी वही रूल लिया गया है, यानी कि जब भी आप डिवाइड करेंगे जीरो वाली संख्या से, 10 से, 100 से, 1000 से, तो यहाँ पर जो आपका राइट में दशमलव होता है डेसिमल, वो राइट से लेफ्ट को भाग जाएगा, यानी कि राइट से लेफ्ट में हम दशमलव को लगाएंगे, तो इस प्रकार से आपका लग जाएगा। आप मान लीजिए कि यहाँ पर 2136 था और इसको डिवाइड हमें करना था 1000 से, तो 1000 से डिवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, हमें ये जानना है पहले कि दशमलव इसमें लगा कहाँ हुआ। तो आप जानते हैं कि यहाँ पर कहीं दशमलव नहीं दिख रहा है, तो इसके सबसे लास्ट में हम मानेंगे, तो यहाँ पर लास्ट में 1 दशमलव काटा तो यहाँ पर एक संख्या बाद आ जाएगा, 2 जीरो काटा तो यहाँ पर आ जाएगा, 3 जीरो, तो यानी कि 3 संख्या बाद राइट से लेफ्ट को हम चले जाएंगे, तो आपका रिजल्टेंट जो हो जाएगा 2.136। अब यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि जीरो का डेसिमल से क्या संबंध स्थापित होता है। अब हम ये समझेंगे कि जो आपको तरह तरह के क्वेश्चन जो दशमलव कहीं पर भी लगे हों, तो हम उसको डिवाइड करना हो तो किस तरह से
हम शिफ्ट कर सकते हैं दशमलव को जीरो के साथ में। तो आइए हम कॉन्सेप्ट को आगे समझते हैं। देखिएगा यहाँ पर आपको पांच एग्जांपल्स दिए हुए हैं, यानी कि एक संख्या में अलग अलग दशमलव लगा हुआ है। अब इसको हमें 10 से भाग करना है, तो सब संख्याओं में देखना है कि क्या रिजल्टेंट आएगा, यानी कि क्या इसका आंसर आने वाला है। सबको हमें 10 से डिवाइड करना है, इसको भी 10 से डिवाइड करना है, इसको भी 10 से, यानी कि सभी संख्याओं को हम 10 से डिवाइड करेंगे। अब जैसा कि हमने बताया कि अगर हम 10 से डिवाइड करते हैं तो सबसे पहले हमारा जो टारगेट होता है उसको ये देखते हैं कि दशमलव कहाँ पर लगा हुआ है। तो यहाँ पर चूंकि एक भी दशमलव नहीं, इसलिए सबसे लास्ट में हम समझेंगे। लास्ट में समझने का मतलब यहाँ पर कहीं दशमलव लगा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर जब एक जीरो काट देंगे यानी कि डिवाइड कर दिया तो 213.6 आपका रिजल्टेंट आ जाएगा, यानी कि आंसर आ जाएगा। अब ठीक उसी तरह यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि दशमलव यहाँ पर सबसे आगे दिख रहा है, और आप जानते हैं कि जब हम डिवाइड करते हैं तो दशमलव राइट से लेफ्ट को जाता है, यानी कि ये दशमलव जो है और इधर आएगा, और इधर आने का मतलब यहाँ पर 2136 तो है ही इसके पहले दशमलव। तो चूंकि यहाँ पर कोई संख्या नहीं, इसलिए यहाँ पर एक जीरो बढ़ा देंगे और दशमलव लगा देंगे, तो ये आपका रिजल्टेंट आ जाएगा। अब देखिएगा ये आपका आंसर हुआ। ऐसे अगर यहाँ पर दशमलव लगा हुआ है तो चूंकि यहाँ पर एक दो तीन संख्या बाद तो है ही, तो एक जीरो यहाँ पर जब कैंसिल करेंगे यानी कि डिवाइड करेंगे तो ये दशमलव अगर हमसे राइट से लेफ्ट को भाग गया यानी कि आएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2136 यहाँ पर आपका दशमलव लग जाएगा, तो इसमें आपका ये आंसर आने वाला है। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर आप देखेंगे कि जब हम 10 से यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर एक संख्या बात तो है, एक जीरो यहाँ पर है, तो यहाँ पर आपका दशमलव आ जाएगा, यानी कि 21.36 ये आपका आंसर होने वाला है। ठीक इसी प्रकार अगर ये वाला देखेंगे तो यहाँ पर 63120 इतना तो है ही, दशमलव कहाँ पर जाएगा लेफ्ट में जाएगा, तो यहाँ पर एक जीरो और बढ़ जाएगा, यहाँ पर आपका दशमलव लग जाएगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि अगर 10 को दशमलव से किस तरीके से शिफ्ट कर सकते हैं। पहले क्या करते थे कि आपने लिखा पूरी संख्या, उसको दशमलव से भाग करने में लग गया कितना लंबा प्रोसेस हुआ। तो यहाँ पर आपको सिर्फ शिफ्टिंग सीखना है कि कैसे हम दशमलव को जीरो के साथ में एडजस्ट करते हैं। ठीक अगर यहाँ पर मान लीजिएगा कि यहाँ पर 1000 से सब में भाग करना है, कितने से 1000 से भाग करना है, मान लीजिए इसमें भाग करना है, तो यहाँ पर जानते हैं कि यहाँ पर दशमलव लगा हुआ है। अब यहाँ पर हजार में कितनी जीरो, 1 2 3 3 0, मतलब कि यहाँ पर 1 2 3 संख्या पर 2.136 ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार इसमें भी अगर हजार से डिवाइड करना है तो यहाँ पर 2 के पहले दशमलव तो है ही, 2136 इतना तो दशमलव है ही, यहाँ पर कितने जीरो हैं, 3 0, 1 2 3 दशमलव यहाँ पर आपका लग गया, ये आपका आंसर आएगा। ठीक इसी प्रकार अगर यहाँ पर हजार से डिवाइड करेंगे तो क्या करेंगे कि यहाँ पर 3 संख्या बाद तो है ही, तो कितना आना चाहिए लेफ्ट में 3, क्योंकि 3 0 है हजार में, इसलिए यहाँ पर 136 तो है ही, 1 आया तो 2 हो गया, फिर 1 0 लगाया तो 2 संख्या हो गई, फिर 1 लगाया 3 संख्या, यानी कि ये होगा आपका आंसर। ठीक उसी प्रकार अगर इसमें हजार से भाग करते हैं तो कहाँ पर दशमलव लगने वाला है, अब तो आप बिल्कुल बता सकते हैं, सोच लिया होगा क्या आंसर आएगा, 2 के पहले, क्योंकि यहाँ पर कितनी 1 2 3 और हजार में 3 0 यानी 0.2136। अब अगला क्या होगा, यहाँ पर देखिएगा 0 है, 2136 है, और कितना आपको क्या डिवाइड करना है, 1000 से 3 0 1 2 3 दशमलव लगा दिया, यही आपका आंसर होने वाला है। तो दोस्तों कितना ज़्यादा आपको ये सरल हो गया 10 और दशमलव में कैसे शिफ्टिंग करते हैं। अब यहाँ पर ये तो आपने करना सीख लिया, अगर यहीं पर डिवाइड इस तरीके से करना हो कि 2 यहाँ पर है आपका 2136 है, और इसको 20 से भाग करना है या 30 से भाग करना है या फिर 80 से भाग करना है, तो डायरेक्ट करेंगे कोई भी प्रोसेस, एक ही प्रोसेस में डायरेक्ट यहाँ पर आपका आंसर आएगा जो भी आने वाला है। तो अगले वीडियो में हम ये बताने वाले हैं, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।